मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। इन दिनों मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में बनी हुई है। कांग्रेस का तूफानी अंदाज देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस और तूफानी अंदाज, ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने देर रात 19 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है तब से ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस की जारी की गई इस दूसरी सूची में कुछ नाम ऐसे देखने को मिले हैं जिनकी शायद कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बागियों को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। यही नहीं, कांग्रेस में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी बदल दिए गए हैं। बता दें कि पहली सूची में कई सीटों पर विरोध हुआ था, जिसके बाद बदलाव किए गए हैं। दतिया में अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, पिछौड़ में शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव में शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया गया है। जबकि पहली सूची के 144 प्रत्याशियों में 69 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहीं 5 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होते ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस लिस्ट से किन नेताओं का असल नुकसान हुआ है। इस लिस्ट में बीजेपी के 7 बागी नेताओं को टिकट दे दिया गया था, तो वहीं 6 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बागियों की बात करें तो बता दें कि इस लिस्ट में 7 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से दीपक जोशी को देवास जिले की खातेगांव सीट से और अभय मिश्रा को रीवा जिले की सिमरिया सीट से टिकट दिया गया है। इसी के साथ धार जिले के बदनावर सीट से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया। यह वो सभी नेता हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ अपने हाथ मिलाए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 6 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। फिलहाल केवल बैतूल की सीट से अभी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल अब कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। वहीं तमाम दलों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में, यानी मध्य प्रदेश चुनाव में, पक्ष या विपक्ष कौन बाजी मारेगा। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस खबर में इतना ही। चुनाव से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।